नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जिसका हाल ही में अभी एग्जाम हुआ है। उसमें एक पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होना है, यानी आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। और उसमें आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो कब होगा, आपकी आंसर की कब आएगी, आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, और जो टाइपिंग है हमें कितने नंबर पर प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, यानी कि हमारे नंबर यदि 81 है तो क्या हमें टाइपिंग टेस्ट करना चाहिए, अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए, और टाइपराइटर पर होगी कि कीबोर्ड पर होगी, यानी कि आपके सभी डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। और देखिएगा, बहुत से कैंडिडेट्स जो DSEU के कैंडिडेट्स हैं, DSP कोचिंग सेंटर से खफा हो चुके हैं। अब कारण मुझे पता नहीं कि किस वजह से। तो देखिएगा, DSP कोचिंग सेंटर वालों ने ओनली आपकी हेल्प ही की है, आपकी हेल्प ही की है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। यानी हमने आपको कंप्लीट दिल्ली GK प्रोवाइड किया, और आपको पता होगा कि DSEU एग्ज़ाम की प्रिपरेशन YouTube इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, किसी भी टीचर ने नहीं करवाई। और देखिएगा, ज़्यादा ट्रैफिक था जूनियर असिस्टेंट में, यानी ज़्यादा ट्रैफिक था जूनियर असिस्टेंट में, जूनियर असिस्टेंट में ही ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए थे। और देखिएगा, जो ESO का पेपर हुआ था उसमें हमारी वीडियो से 22 क्वेश्चन थे, मैक्सिमम 22 क्वेश्चन पूछे गए थे हमारी वीडियो से ESO एग्ज़ाम में। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। लेकिन जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है ये थोड़ा टफ आया था, यानी इसका जो दिल्ली GK है वो टफ आया था, लेकिन उससे भी हमारी वीडियो में 9 से 10 क्वेश्चन जरूर आए थे और पूछे गए थे। फिर भी आप लोगों को भरोसा नहीं है DSP कोचिंग सेंटर पर कि कुछ भी नहीं फंसा जितना भी पढ़ाया। तो देखिएगा भाई, एक बंदे ने मुझे कमेंट किया कि सर, अलग से उसने मुझे टेलीग्राम पर कमेंट किया कि थैंक यू सर, आपकी वीडियो से 22 क्वेश्चन आए थे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिएगा, जो दिल्ली सामान्य ज्ञान की हमारी PDF थी, एग्जाम के टाइम पे हमने इसको बिल्कुल फ्री में सभी को टेलीग्राम पर दे दिया था। और देखिएगा, इस बंदे का नाम है नरेंद्र यादव, इसने देखिएगा ASO का पेपर दिया था, और जिसमें ये बोल रहा कि मेरे 22 क्वेश्चन आए हुए थे। पर देखिएगा, यहाँ पर जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें जो दिल्ली GK आई थी वो काफ़ी मुश्किल आई थी, इसका कहना है। और आप सभी भी कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल आई थी, लेकिन भाई आप लोगों का ये मतलब नहीं है कि यदि जूनियर असिस्टेंट में मेरे क्वेश्चंस, मेरी वीडियो से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं फंसे हैं तो इसका मतलब ये कि आप कमेंट में गालियाँ वगैरह लिखो या फिर उल्टा सीधा लिखो। और देखिएगा, जितने कैंडिडेट्स को जाना था, यानी जितना भी मेरे जो स्टूडेंट थे जो चैनल को सब्सक्राइब किए थे, जिनको जाना था वो जा चुके हैं, और ऐसे सब्सक्राइबर मुझे चाहिए भी नहीं जो पहले चैनल पर स्टडी करें और बाद में गालियाँ दें। मुझे जेन्युइन सब्सक्राइबर चाहिए और जिसको भरोसा हो, ओनली वही। भाई आप किसी भी यूट्यूब पर पढ़ते हो, एडुकेशन चैनल पर पढ़ते हो, क्या वो शख्स गारंटी लेता है कि हमारी वीडियो से इतने क्वेश्चन फंसेंगे और 25 out of 25 क्वेश्चन हमारी वीडियो से आएंगे? यार कोई गारंटी नहीं लेता। और ये वैकेंसी फर्स्ट टाइम निकली हुई थी, इस वजह से किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी टीचर ने इस वैकेंसी की प्रिपरेशन नहीं करवाई, और मैंने आप लोगों के लिए रिस्क लिया और आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया दिल्ली GK का कंप्लीट, और उससे क्वेश्चन आए हैं आपकी ASO में। देखिएगा, 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर भी आप लोग कहते हैं कि कुछ नहीं आया। थोड़ा बहुत तो इधर के उधर हो जाता है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में ज़्यादा ट्रैफिक था, फॉर्म ज़्यादा फिल हुए थे और वैकेंसी काफ़ी कम थी, इस कारण से थोड़ी दिल्ली GK है जो ज़्यादा टफ आई हुई थी। और देखिएगा, जो उल्टा सीधा कमेंट्स करता है मुझे, तो मैं उसका कमेंट रिमूव कर देता है, या तो देखिएगा उसका जो कमेंट्स है वो रिमूव कर देता हूँ, या फिर उसका जो कमेंट को हम रिपोर्ट कर देते हैं। तो देखिएगा, उल्टे सीधे कमेंट से मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही चैनल पर पड़ेगा। बट आप सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप कमेंट में उल्टा सीधा ना करें। यदि आपको चैनल पर नहीं आना है तो आप चैनल पर विजिट ही मत कीजिए, यदि आपको देखना पसंद नहीं है तो आप चैनल पर मत आया कीजिए। और जिसको भरोसा है, अब हम बात करते हैं कि जो टाइपिंग होगी हमारी वो टाइपराइटर पर होगी या फिर कीबोर्ड पर होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, DSEU जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होगी वो देखिएगा कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग, यानी आपकी जो कीबोर्ड पर होगी वो होगी 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होगी। और जो मैनुअल टाइपराइटर पर होगी वो आपकी इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, और ये आपके ऑप्शनल रहेगा, यानी आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको
टाइपराइटर पर करना है या फिर आपको कीबोर्ड पर करना है, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और देखिएगा यदि आपके जो मार्क्स हैं जूनियर असिस्टेंट में वो जनरल कैटेगरी के यदि 85 मार्क्स बन रहे हैं, 85 मार्क्स बन रहे हैं नॉर्मली यानी कि 80 से ऊपर हैं, तो आप प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए टाइपिंग की, क्योंकि आपके पास 90% चांस रहेंगे टाइपिंग टेस्ट देने के लिए, क्लियर है। इसके अलावा जो ओबीसी है वो भी 80% यदि उसके मार्क्स हैं, 80 से ऊपर यदि उसके मार्क्स बन रहे हैं, तो वो भी अभी से प्रैक्टिस कर दें, क्योंकि टाइपिंग के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मुश्किल से आपको एक ही महीने का समय मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको टाइपिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, उसके तुरंत बाद आपकी 15 दिन बाद 20 दिन बाद आपका टाइपिंग का एडमिट कार्ड आ जाएगा। और देखिएगा यदि आप एसएससी एमटीएस का, जो एसएससी एमटीएस में अभी फ़िलहाल में वैकेंसी निकली हुई है एमटीएस हवलदार, जिसकी जिसका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने वाला है, यानी आप लोगों के पास क्लियर 2 महीने हैं, और 2 महीने में यदि आप जनरल अवेयरनेस कंप्लीट करना चाहते हैं, गारंटेड जितनी भी टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा जनरल अवेयरनेस के, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊँगा टाइप बाई टाइप, हिस्ट्री अलग से, जियोग्राफी अलग से, यानी कि सभी का अलग अलग कंप्लीट करवाऊँगा, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, और जितनी भी सेट में आपको कंप्लीट करवाऊँगा उनसे आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन से, यानी कि 20+ क्वेश्चन हमारी वीडियो से पूछे जाएंगे, ये गारंटी है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।